और यहां पर बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। ब्रिटेन के पीएम ने लॉकडाउन का घेरा तोड़ा है। बड़ी खबर ब्रिटेन से आई है, आपको बता दें। घर से दूर दिखाई पड़े पार्क में बोरिस जॉनसन। पार्क में साइकिल चला रहे थे बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के कई हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का घेरा तोड़ते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नजर आए। और अब बात फ्रांस की। फ्रांस में एक तरफ कोरोना ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति मैक्रों शाही खर्च के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए। फ्रांस कोरोना संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों विपक्ष और सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन एलिसी पैलेस में साल 2020 में केवल फूलों के ऊपर लगभग 5 करोड़ खर्च हुआ। दावा है कि इमैनुअल मैक्रों ने पिछले राष्ट्रपति की तुलना में 4.5 गुना ज्यादा खर्च किए हैं। इससे पहले फ्रैंकोइस ओलांडे ने 2015 में $1,62,000 और निकोलस सरकोजी ने 2011 में $1,74,000 खर्च किए थे। हालांकि फ्रांस ने कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए $121 बिलियन का पैकेज जारी किया है। एशियाई देश मलेशिया में भी कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है और हालात को वहां देखते हुए मलेशिया में आपातकाल फिलहाल लागू कर दिया गया है। मलेशिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आखिरकार मलेशिया के राजा अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने संसद को स्थगित करके देश में आपातकाल लागू कर दिया है। बीते 50 साल में ये पहला मौका है जब मलेशिया के राजा ने आपातकाल लागू किया है। आपातकाल लगने के बाद बगैर चुनाव प्रधानमंत्री यासिन महामारी काबू होने तक पद पर बने रहेंगे। सरकार अब पुलिस और मिलिट्री को भी राहत और बचाव में शामिल कर सकती है। सरकार प्राइवेट अस्पताल के कामकाज को अपने हाथ में ले सकती है। फिलहाल मलेशिया में हर दिन लगभग 2000 नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक कोरोना के लगभग 1,41,000 केस सामने आ चुके हैं। उधर मकर संक्रांति पर हरिद्वार प्रशासन एक्शन मोड में है। श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति में हिस्सा लेने के लिए उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लगाना जरूरी होगा। 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले मकर संक्रांति पर हरिद्वार में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए सख्त कोरोना नियमों का पालन करना होगा। हरिद्वार प्रशासन ने मकर संक्रांति को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। श्रद्धालुओं को कोरोना की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। कोरोना संक्रमण के बीच ये सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। इससे पहले कोरोना के कारण सभी स्नानों को स्थगित कर दिया गया था। प्रशासन ने गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए पहले से ही कमर कस चुकी है। धर्मशाला और होटलों को भी नई एडवाइजरी से अवगत करा दिया गया है। और अब बात करते हैं ठंड को लेकर, क्योंकि उत्तर भारत में अभी भी लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत के आसार नहीं मिल रहे। अगले 4 दिनों से शीतलहर और घने कोहरे की आशंका जाहिर की गई है। पहाड़ अभी और जमेंगे, मैदान अभी और कांपेंगे, क्योंकि सीजन का सबसे सर्द दिन अभी दस्तक देने वाला है। एक तो पूरा उत्तर भारत पहले से ही भयंकर ठंड की चपेट में है, ऊपर से मौसम विभाग के पूर्वानुमान में ठंड से कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों के साथ साथ यूपी, MP और राजस्थान में तेज शीतलहर चलने की संभावना है। तापमान लगातार सामान्य से कम बना हुआ है। शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी इलाकों के लिए फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली। उधर दिल्ली में अभी भी कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। फॉग स्मॉग की वजह से लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त सुबह का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है, जो अपने आप में बता रहा है कि दिल्ली में कितनी सर्दी है। वातावरण में इस वक्त धुंध नजर आ रही है। हालांकि विजिबिलिटी जरूर क्लियर है, लेकिन धुंध पूरी तरीके से आसमान में छाई हुई है और ये धुंध दिल्ली वासियों के लिए काफ़ी दिक्कतें दे सकती है, क्योंकि कोहरा जो दिल्ली के अंदर पहले से स्मॉग था उससे मिलकर दिल्ली के वातावरण को और दूषित कर रहा है। उसका साफ दिख रहा है कि दिल्ली में इस वक्त PM 2.5 301 है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में है। यानी कि दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए ये स्मॉग और फॉग का जो मिश्रण हो रहा है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।